है छत्तीसगढ़ से, जहां कांकेर जिले के तमाम विकास खंडों में सरकार की तमाम योजनाओं को हमने देखा तो कहीं योजना फाइलों में अटकी मिली तो कई योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ने लगी। उसी तरह हम बात कर रहे हैं दुर्गुकोंदल ब्लॉक की, जहां लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तो कहीं नल जल योजना, किसानों के लिए आए मिनी किट योजना या फिर आत्मा प्रोजेक्ट या मत्स्य पालन योजना या ग्रामीण पंचायत विकास विभाग की तमाम योजनाएं जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है। उसी तरह आप कुपोषित बच्चों व गर्भवती माताओं के पेट काटने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं एकीकृत महिला एवं बाल विकास विभाग की, जहां नन्हे नन्हे कुपोषित बच्चों और गर्भवती व कुपोषित माताओं के लिए आई राशि का बंदरबांट कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुर्गुकोंदल ब्लॉक में रेडी टू ईट चलाने वाले 9 महिला स्वयं सहायता समूह है जो 2009 से संचालित हो रही है। इनकी एवज में शासन प्रशासन उन समूहों को प्रति माह राशि आवंटन करती है, लेकिन उस राशि का कुछ हिस्सा कहा जाता है। वहीं जिला के दुर्गुकोंदल विकास खंड के महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ परियोजना अधिकारी सुमन, जो लंबे समय से एक ही जगह में पदस्थ हैं, लेकिन अभी तक अधिकारी कर्मचारियों का तबादला नहीं हुआ, जबकि अन्य विभाग के अन्य जिलों व ब्लॉक पर ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण हो गया है। लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ होने के चलते विभाग में भ्रष्टाचार भी हो रहा है और यही देखने को मिल रहा है कि रेडी टू एड जो कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती माताओं के लिए आती है, जिसे महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा चलाया जाता है, जिस पर समूहों से विभाग के अब्दुल जकीर खान बाबू के द्वारा प्रतिमा 5,000, 7,000 तो कभी 10,000 तक का वसूली की जाती है, जो निरंतर 2009 से चलते आ रहा है, जिसके चलते समूह के महिलाओं को अपना जीवन चलाना दुभर हो रहा है। कई बार तो समूह चलाने वाले महिलाओं के द्वारा काम बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं को आश्वासन देकर पुनः काम चालू करवाया गया है। फिर भी पैसा वसूली का सिलसिला जारी है, जिसके चलते कुछ महिला समूहों के द्वारा परियोजना अधिकारी सुमन से बात करने आए तो उन महिलाओं को परियोजना अधिकारी सुमन ने कहा कि जितना पहले दे रहे थे उतना ही देना होगा, उससे एक रुपया भी कम नहीं होगा, काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। वही बता दें कि एकीकृत महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्गुकोंदल के परियोजना अधिकारी सुमन नेताम ने आज तक ब्लॉक में संचालित समूहों के निरीक्षण के लिए नहीं गई है। उन्होंने कहा कि अवैध वसूली करना गलत है, समस्याओं को लेकर हम बैठक भी बुलाते हैं और बैठक में सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई भी की जाती है। अब इस मामले की जांच की जाएगी, अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप लोगों को सामान जो दिया जाता है किराना दुकान के द्वारा वो महंगा लगाते हैं? जैसे अभी दुकान में हम लोग खरीदते हैं ना, वहाँ 40 रुपया लगाता है गांव की दुकान में, और वहाँ तो हम लोगों को 45 रुपया देता है। अच्छा, अभी तो बिल नहीं दिया है तो पता नहीं कितना लगाया है तो कब देगा तो बिल। अच्छा, अभी तक आप लोगों को बिल उपलब्ध नहीं कराया? नहीं कराया। वैसी हमेशा करता है कि अभी? वैसी नहीं करता, लेकिन अभी अभी नहीं दिया है। फिर भी वहीं से सामान ला रहे हो, ला के देता है कि आप लोग जाते हैं? नहीं, लिख कर देते हैं भी इतना इतना सामान चाहिए करके, तो ला कर देता है। अच्छा, ला कर पहुंचा के देता है? हाँ। और सामान अच्छा क्वालिटी में देता है कि घटिया क्वालिटी में देता है? ऐसे गेहूं तो अच्छा क्वालिटी में है, चना थोड़ा सा खराब है। ये चना आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि सोसाइटी का? सोसाइटी टाइप का लगता है, है ना? क्योंकि आप लोग भी देखे होंगे, मार्केट जाते होंगे तो खरीदते होंगे तो थोड़ा साफ रहता होगा। देखे हैं ना, साफ। मार्केट से तो कभी नहीं खरीदी हूँ, लेकिन नहीं खाने के लिए। खाने के लिए खरीदते हैं तो साफ। आपके घर में? घर में तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि जो आप लोग हर महीना पैसा आप लोगों को नहीं परोड़ता था, नहीं मतलब कि नहीं बचता था, है ना? क्योंकि आप लोग उन अधिकारियों को देते थे हर महीना, खान को, क्या बोले, खान प्रति महीना 2,000-3,000 पांच तक नहीं 3,000-4,000 आप लोग कब से समूह चला रहे हैं? समूह का गठन 2007 से है। अच्छा, तो चला कब से रहे हैं आप लोग? रेडी टू ईट फूड का कार्य 2009 से कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आप लोगों को क्या आमदनी हो रही है? आमदनी तो अब तक के कुछ भी नहीं हुआ है, 100 रुपए एक दिन का निकालते हैं, वो भी ले दे के हो पाता है, कोई महीना में होता है तो कोई महीना में नहीं भी हो पाता, जाम पड़ा रहता है, दूसरे माह में उसका निकाल लेते हैं। अच्छा, उसमें लकड़ी वगैरह सब एडजस्ट करते हो? हाँ, लकड़ी सामग्री सबका एडजस्ट करते हैं और परिवहन का भी एडजस्ट करते हैं। सब परिवहन इस भवन को भी बनवाए हैं जो है सामने। अच्छा, तो क्यों आप लोगों को 100 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? पैसा उतना आता है आप लोगों को रेडी टू ईट में, उसको कहाँ करते हो? मतलब ना, रेडी टू ईट का जैसे पैकेट का रेट है,
वो तो ज्यों का त्यों पड़ा है। सामग्री का रेट बढ़ता है, चना का, सोयाबीन का, शक्कर का, तेल का, और प्लस वहाँ जिला के लिए भी मांग रखते हैं तो वहाँ भी देना पड़ता है। अच्छा, जिला में अधिकारियों को देते हो? अब जिला में किसको देते हैं ये पता नहीं, लेकिन आप लोग किसको देते हो? हम ना सिर्फ यहाँ मतलब खान बाबू को देते हैं, वो सहायक ग्रेड हैं, अब्दुल जिकर खान बोलते हैं उसको। अच्छा, परियोजना अधिकारी? हाँ, परियोजना कार्यालय में देते हैं। वो सहायक ग्रेड 3 के पद पर है। हाँ, हाँ। कितना देते हो महीने में उनको? मतलब एक वो एक प्रकार का नहीं देते हैं कभी, मतलब जी हमारे पास जितना ज्यादा रकम जमा होता है ना, हाँ, उस हिसाब से लेते हैं कम ज्यादा। फिर भी कितना? मतलब 5 से 7, 8 और 9, 10 ऐसे। अरे 1000 में? हाँ, 1000। 5000 महीने को, कभी 7000, कभी 8000, कभी 9000, कभी 10000 महीने, प्रति महीने देते हो? प्रति माह। ये कब से देते आ रहे हैं आप लोग? ये 2009 से, जब से लागू। हाँ, जब से लागू हुआ तब से। अच्छा, आप लोग अभी मात्र ये ना जुलाई और सितंबर का नहीं दिए हैं, अभी 2 माह। अच्छा, 2 माह। आप लोग कौन से दुकान से सामान लाते हैं? पारक प्रोविजन दुर्गुकुंदर। तो आप लोग लेने जाते हो या फिर पहुँचा के देते हैं? पहुँचा के देता है। अच्छा, तो उससे आप लोगों को पोसा जाता है? अब क्या करें सर, ला कर देते हैं, है। वहाँ के सामान जो लाते हैं उसमें गुणवत्ता ठीक रहता है? हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी गुणवत्ता ठीक भी रहता है, कभी नहीं भी रहता। अच्छा, तो बिल आप लोगों को पुट अप करते समय कच्ची बिल देती है, कब ला करके ओरिजिनल बिल देते हैं? ओरिजिनल बिल जब हम पैसा उसको देने जाते हैं तब ओरिजिनल बिल देती है, नहीं तो कच्ची बिल थमा देते हैं। कच्ची बिल थमाते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रिज भाई गौड़ी। अच्छा, आप पहले पूर्व में इस समूह का अध्यक्ष थे? हाँ। तो बीच में क्यों छोड़ दिए थे? पोसा रहा था कि नहीं पोसा रहा? नहीं पोसा रहा था, इसलिए। क्यों नहीं पोसा रहा था? पैसा नहीं मिल रहा था ना, काम रोजी रोटी नहीं मिलते। हाँ। रोज की खा खा कर जाते थे ना काम करने के लिए, नहीं मिलता था पैसा, तो नहीं मिलता करके बोल रहे थे सब सदस्य। तो जोर से बोलो, नहीं डर। तो उसके बाद फिर पैसा नहीं बचता था? नहीं। हाँ, क्यों नहीं बचता? नहीं था, था। बांटते तो नहीं थे आप लोग किसी कर्मचारी अधिकारियों को? ऐसे कर्मचारी को नहीं बांटते थे, लेकिन ऑफिस में थोड़ा तो देते थे। कितना देते थे ऑफिस में? किसको देते थे? वो कभी 3000, कभी 4, कभी 5 ऐसे देते थे हर महीना। किसको देते थे? खान। खान, जोर से बोलो, किसको? खान। खान क्या है वो? वहाँ पे लिखता है बाबू। अच्छा, बाबू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।